डो ऑन हर बर्थडे आयशा के मदर क्या करने वाली थी आयशा के बर्थे पर आयशा उस मदर वॉज गोइंग टू अरेंज अ पार्टी ऑन हर बर्थडे आयशा की मदर उसके लिए पार्टी अरेंज करने वाली थी उन किसके बर्थडे पर क्वेश्चन नंबर टू व्हाट डिड आयशा फील हर वॉब टूथ विद उसको अपना जो दांत हिलता था उसके साथ कैसा फील हो रहा था आयशा फेल्ट हर वॉब टूथ विद हर टंग वो उस अपने फेल्ट करी थी महसूस कर रही थी अपने हिलते हुए दांत को अपनी जुबान के साथ टंग के साथ व्हाई डिड शी रन एंड जम वो क्यों रन कर रही थी भाग रही थी और जम कर रही थी शीरन आन जम्प सो डैट द बॉबली टूथ वुड फॉल आउट वो सोच रही अगर मैं भागूंगी जम्प करूंगी जो मेरा ही हिलता हुआ दांत है वो गिर जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर वट डिड अलोक सजेस्ट अलोक ने क्या सजेस्ट किया क्या सुझाव दिया आलोक सजेस्टेड एट दे वु टाई आ स्ट्रिंग अराउंड हर बॉबली एंड वुड टर्क एट इट उसने कहा हम क्या करते हैं जो दांत हिल रहा है उसमें धागा डालते हैं और एक जो उसका सिरा है वो हम लोग दांत में रखेंगे और दूसरे को हैंडल में टक करेंगे और फिर हम खींचेंगे वट वॉज बैलेंसेशन बैलन का क्या सजेशन था बैलेंस डेट दे स्ट्रिंग अराउंड द वॉबी टूथ उसने भी कहा हम वॉबडी टूथ के साथ धागे को डालेंगे एंड द एंड ऑफ स्ट्रिंग वो टाई टू देंडल ऑफ द डोर और हम क्या करेंगे जो एंड है एक उसको दरवाजे के साथ लगा बांध देंगे और एक को दांत के साथ एंड दे वुड स्लैम द डोर और वो दरवाजे को खींचेंगे एंड द बॉबडीटूथ वुड कम आउट और जो दाँत हिल रहा है वो बाहर आ जाएगा फाइन क्वेश्चन नंबर सिक्स वे आर दे वे जॉकिंग क्या वो मजाक कर रहे थे यस दे ऑल वर जोकिंग सब वो मजाक कर रहे थे आयशा को तंग कर रहे थे कि तुम्हारा बॉबडीटूथ ऐसे ही घिरेगा क्वेश्चन नंबर सेवन वाई डिड हर मदर वेक हर अप एट द नाइट उसकी मदर ने रात को उसको क्यों उठाया हर मदर टुक हर अप एट नाइट उनकी जो मदर थी उन रात को उसको इसलिए उठाया टू चेंज द स्कूल यूनिफॉर्म क्योंकि वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही सो गई थी क्वेश्चन नंबर एट हाउ डिड शी पुल अप हर शर्ट उसने अपनी शर्ट को कैसे उतारा वाट हैपन वन शी सो क्या हुआ जब उसने ऐसा किया एज अ रिजल्ट द वॉबली टूथ केम आउट ऐसा करने से क्या हुआ जो दाँत हिल रहा था वो बाहर आ गया एंड फेल ऑन द ब्लू कारपेट और आके नीली कारपेट पर जब वो शर्ट में टग ऑफ हुआ वो नीचे ऊपर उछला हवा में और नीचे घिर गया ब्लू कारपेट पर फ़ाइन ये रहा आप लोगों की क्वेश्चन आंसर्ट्स और आप लोगों की जो बैक बुक एक्सरसाइज है इनशाला इनशाला वे डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर फाइन डो योर होमवर्क ऑन योर नोटबुक्स ये आपको नोटबुक पे ही करना है अपने क्वेश्चन आंसर को ठीक है अपना होमवर्क करके सेंड करना फ़ाइन इफ़ यू हैव एनी के टो दिस यू हैव रिल कॉल मी आर व्हाट्सएप मी स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफिज़